लीजिए दोस्तों, इस समय किरोड़ी हिसार बनाम बाबा धर्मदास भी और डुबकी लगाने की कोशिश, लेकिन शानदार पकड़ इस समय, टीम गेम और अच्छा तालमेल इस समय। एक अंक की मामूली लीड इस वक्त शुरुआत इस समय खेल का। किरोड़ी हिसार एक अंक जरूर पीछे है, लेकिन कॉर्नर पे यहाँ टेकल करना चाहेंगे। अच्छा नियंत्रण की कोशिश और लॉबी से चले गए, रनर आउट। किरोड़ी आ गए हैं वापस मैदान पे। किरोड़ी फिर से रेड पे हैं, काफी जुझारू और दमदार खिलाड़ियों में से एक, जबकि सामने साई सोनीपत के स्टार दिखाई दे रहे हैं। बाडरा स्थित सरखी दादरी हरियाणा में आयोजित विशाल कबड्डी प्रतियोगिता, डी लाइन को छोकर वापस किरोड़ी ही आगे जा रहे हैं। बड़ी रेड की प्रतीक्षा में बराबर पलड़े दोनों का, अगर स्कोर बात किया जाए तो लेवल है स्कोर। पांच का डिफेंस बोनस ऑफ, इसलिए दबाव कहीं ना कहीं किरोड़ी के ऊपर। पिछला रेड भी खामोश था और यहाँ देखते हैं अंक अर्जित कर पाते हैं कि नहीं। एक टच पॉइंट और यहाँ मिलेगा 10 नंबर को छूते हुए, माफ कीजिए, वापस एक बार लगा कि सर टच पॉइंट मिलेगा, लेकिन नहीं। और अब डूडाई पे चले हैं किरोड़ी। अब देखते हैं आखिर किरोड़ी लगातार तीसरी रेड लेके आगे बढ़े हैं। दो खामोश भरी रेड और यहाँ पर गए हैं अपने ही जाल से। एक अंक की मामूली बढ़त एक बार फिर बाबा धर्मदास वी टीम के पास है। कॉर्नर के ऊपर टच पॉइंट की कोशिश, सुपर टेकल है, मौका है इस वक्त। सुपर टेकल से 2 पॉइंट और अब बढ़त पे आता हुआ विक्की किरोड़ी हिसार के पास एक अंक की लीड। रिसर्च नंबर 80 के स्टार रेडर देखिए, वर्सेस अर्जुन स्टेडियम भी नेशनल प्लेयर है, वर्सेस अर्जुन स्टेडियम भी कैसे चुनौती आगे बढ़ाते हैं। पहले राउंड का अंतिम मैच, रोमांचक मैच, सेफ कमबैक। 11 नंबर जर्सी से डी लाइन को छोकर वापस लौटे। तो स्कोर की बात की जाए तो एक अंक का मामूली फासला है, लगभग पलड़े बराबर। किरोड़ी हिसार के पास 19-20 की बढ़त और यहां ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश, छोड़ने वाले नहीं साई सोनीपत के डिफेंडर। ये बड़ी रेड हो सकती है, पिछली रेड इनकी अंक गवाने वाली थी, लॉबी में चले गए थे विदाउट टच से। और वो खिलाड़ी हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। कॉर्नर पे छोड़ने की कोशिश, अच्छा नियंत्रण और यहाँ बाहर भेजने का प्रयास, मगर पहुंच गए लक्ष्य तक। स्कोर लेवल है। सेकंड हाफ शुरू होता हुआ थोड़ा सा विलंब से जुड़ने के लिए खेद है। स्कोर पहले हाफ में बराबर 11-11 और यहाँ 12 अंक जाता हुआ बाबा धर्मदास बी टीम के पक्ष में। 61 नंबर के स्टार रेड कॉर्नर पे लुभाने की कोशिश में, 12-11 का स्कोर और यहां धक्का देकर बाहर भेजने का प्रयास, पहुंच गए। बड़ी रेड, सुपर रेड, 3 पॉइंट के साथ वापस, प्लस बोनस भी। किरोड़ी हिसार बढ़त बनाता हुआ इस वक्त 3 पॉइंट के, एक रेड से 4 पॉइंट, कमाल का चौका और यहां टच पॉइंट। कॉर्नर से ईमानदारी का परिचय, किरोड़ी ही चले हैं। तो 2 पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण लीड, 13-15 पांच का डिफेंस। दमदार खिलाड़ी हैं, सेफी वापस लौटे हैं, लेकिन ये स्टार देखिए इस समय काफी दारोमदार धर्मदास बी टीम का। सुपर टेकल है, टच पॉइंट की कोशिश होगी, पिछली रेड पे अंक अर्जित किया था। 61 नंबर को आगे जाना चाहिए, थोड़ा सा हाथ से हाथ मिलाए हुए हैं, खामोशी वापस। 61 नंबर आगे चले,
अर्जुन स्टेडियम बी वर्सेस जसर खेड़ी वर्सेस अर्जुन स्टेडियम बी डी लाइन को छोकर वापस इधर से इधर डूडाई की प्रतीक्षा। टाइम आउट के बाद डूडाई रेड लेके चले हैं। किरोड़ी हिसार दबाव बढ़ सकता है। किरोड़ी अंडर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। पांच डिफेंस का तालमेल कितना कारगर साबित होगा देखते हैं। शारीरिक भाषा से ले और यहां नियंत्रण खोया है। रेड सेल्फ आउट। रोमांचक होता हुआ मैच है। 13-16 का स्कोर, 3 अंक की लीड किरोड़ी के पास। आखिर देखते हैं बाबा धर्मदास की टीम वापसी कर पाती है कि नहीं। सेकंड हाफ का खेल रोमांचक होता हुआ और थाई होल्ड लाजवाब है। पहुंच गए बड़ी रेडी समय। वाह सुपर रेड 3 पॉइंट। 16-16 से स्कोर बराबर। तराजू की तरह दोनों पलड़े बराबर। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम। आधा आधा बंटवारा होता जब 500-500 ग्राम। 7 का डिफेंस है मजबूत और सुपर रेड से देखिए कैसे मैच में वापस आ गए। एक बार फिर बाबा रामदास गलती की है यहाँ पे एक अंक की। बोनस के 7 पॉइंट अर्जित किया यानी कि 2 अंक का इजाफा। अब 16-18 का स्कोर। सुपर टेकल का संकट 2 के डिफेंस में। टच पॉइंट कॉर्नर से देखते हैं काफी करीब थे लेकिन फिर से आगे बढ़ते हुए संतुष्ट नहीं थे और यहां चकमा देते हुए 2 खिलाड़ियों को चीरते हुए एक जगह पर जाकर मुश्किलें बढ़ती। ऑल आउट इसी के साथ और टाइम आउट। इस ऑल आउट के साथ ही बीच पे पहुंचता बाबा धर्मदास भी जबकि किरोड़ी 18 पे 2 अंक पिक का फासला। बेहद रोमांचक। एक बार उधर एक बार इधर किस करवट बैठेगा ऊंट कहना मुश्किल है। और यहाँ ब्लॉक देखे कितना बेहतरीन हवा। परो का डिफेंस ये टूटने वाला नहीं। 21-18 3 अंक का फासला। मजबूत डिफेंस की आवश्यकता। ब्लॉक किया है बाहर भेज दिया। अब वापसी की गुंजाइश नहीं शायद देखते हैं इंतजार करना होगा। 1 अंक से आशा जरूर बरकरार है इस वक्त। किरोड़ी जिम्मेदारियां लेके आगे बढ़े हैं। 19-21 बेहद कांटे की टक्कर। पहले राउंड का ये लास्ट मैच। उसके बाद साई सोनीपत के उदयमान स्टार बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और यहाँ पकड़ मजबूत है। वापस मैच में किरोड़ी हिसार। 20-21 का स्कोर है। सिर्फ 1 अंक की बढ़त है। देखते हैं डू और डाई है यहाँ पे। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष। दबाव में इस वक्त रेडर। और यहाँ पे टैकल कर लिया है सफल। साइड में हो यार रोड़ा करो। 20-22 का स्कोर। 11 नंबर के स्टार देखिए। 6 का डिफेंस बोनस की ताक में। और यहाँ फॉरवर्ड गए थे विक्की ही पूरे दमखम के साथ पूरी लय में है और चुनौती स्वीकार की है। मैच में वापस लेके आए टीम को पिछड़ने के बावजूद लेकिन इस वक्त मामूली पीछे है। बाहर भेज दिया शायद रेडर आउट। तीन मिनट का खेल शेष। 3 अंक की बढ़त। 20-23 एक अच्छी रेड से मैच फिर से तुल सकता है। समय दबाव का कार्य करेगा अब किरोड़ी हिसार पे जबकि बाबा धर्मदास मर्यादा के साथ खेल को आगे बढ़ाता हुआ। हरियाणा की पावन पवित्र धरा अंसावास खुर्द से इस वक्त देख पा रहे हैं आप। बेहतरीन टैकल की कोशिश हाथ थामने का प्रयास है सफल। एक और अंक गवाया क्रूशियल टाइम में। 2 पॉइंट की बढ़त इस वक्त है। माफ कीजिए 4 पॉइंट की बढ़त जबकि 2 मिनट का समय शेष।
24, एक या दो रेड अच्छे चाहिए, यहाँ मिलेगा टच पॉइंट। जी हाँ, एक अंक। 21-24, करीब डेढ़ मिनट का खेल समय गुजारता बाबा धर्मदास पूरा समय गुजार कर वापस लौटे। तीन अंक की लीड हार जीत तय करेगी अब इस मैच की। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष, और यहां सफल हो गए पहुंचते हुए। दो पॉइंट की बढ़त है, करीब 40 सेकंड का समय, देखते हैं, समय गुजारना ही बेहतर। डूडाई है संभवतः, या एक अंक गंवा दिया, अब वापसी की संभावना मुश्किल। फिर से तीन अंक की बढ़त है, लक्ष्य तक पहुंच गए एक अंक। अंतिम रेड होगी इसलिए समय गुजारते हुए, यानी कि जीत अब लगभग तय है। दो पॉइंट की लीड, 26-23, और यहां गंवा दिया है अंक। इसके साथ ही समय समाप्त, और यहां बाबा धर्मदास बी टीम ने मुकाबला जीत लिया रोमांचक मुकाबले में किरोड़ी हिसार को पराजित करते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुक्रिया।